तुम देखना, मैं उसकी शादी ऐसी जगह कराऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? जिंदगी ने जो मेरे साथ किया है ना, हर वक्त तमाशा बनाया मेरा। अब आप प्लीज इस तमाशे में किसी और किरदार का इजाफा मत करें। मुझे नहीं करनी किसी से शादी, मुझे अपने हाल पे छोड़ दे। आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? क्यों? मुझे पता है आपने भाई को समीन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मेरे सामने कर ले। बदतमीजी मत करो, जाओ यहाँ से। हर बात तुम्हारे सामने करने वाली नहीं होती। फराज, कल तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। तुम तो अभी से हारे हुए सिपाही लग रहे हो। इस हालत में कैसे करोगे उनका सामना? और वो तो आते ही तुम्हारे सामने समीन और उसके अब्बा की दुखों की पोटली खोल के बैठ जाएंगे। नहीं, क्या चाहती है आप, मैं क्या करूं? मैं किसी कीमत पे उस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती, और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। मैंने तुम्हें वकील का कार्ड दिया था, मिले उनसे जाके? तलाकनामा बनवाने के लिए? हाँ, नहीं, अभी नहीं। क्या तो कब मिलोगे? पापा मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। तो तुम डट जाओ, क्या कर लेंगे वो? मैं तो कहती हूं आज ही जाके मिलो उनसे, तलाक का नोटिस बनवाओ और भिजवाओ उसे। हम समझा लेंगे तुम्हारे पापा को, इसी में हम सबकी भलाई थी। अगर इस तरह डरते रहे ना तुम, तो अपनी मर्जी की जिंदगी कभी जी ही नहीं पाओगे। हंसा ही रहे हैं आज सब तो, कसम से। और ऐसी हंसी जिसके बाद आंखों से आंसू निकल आते हैं। आप मुझे बाबा के खिलाफ खड़े होने को कह रही हैं? पहले से उनकी गुड बुक्स में नहीं हूं अम्मी, इसके बाद वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे।